हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में मैथ के क्लास में पिछली वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बताए थे। आज उस पर क्वेश्चन कराएंगे डायरेक्ट कैसे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बिना एलसीएम एचसीएफ सॉल्व किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है, चार घंटियां क्रमशः 16, 24, 36, 42 मिनट के अंतरालों पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 6 बजे एक साथ बजी हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा है ना, उसके बाद उतना मिनट और लेगा, जैसे मिनट में दिया है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम सॉल्व करने को आपको तरीका बताया है कि एलसीएम ऐसे सॉल्व करते हैं, बड़ी संख्या जो इसमें रहता है उसका गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 16, 24, 36, 42 दिया है, 42 हमारा इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है, तो क्या होता है 6, 7, 42 इसका गुणनखंड करेंगे, 2, 3, 6, 7, 42। अब इसमें 36 देखने के लिए क्या इसमें गुणा कर दे, 36 दिखाई दे, तो यहाँ 6 दिख रहा है, 6 की कमी है, 6 की कमी इसका मतलब 2 × 3 की कमी था, यहाँ 36 दिखने लगा। ठीक है, अब 24 इसमें दिख रहा है, 24 दिखने के लिए 8 × 3 = 24 होता है, तो यहाँ 2 × 3 = 6 × 12 एक दो की कमी है, 3 × 2 होना चाहिए, 8 × 3 = 24 में 3 × 2 होगा और 1 × 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 ही 2 दिख रहा है, 1 × 2 और डाल दीजिए इसमें। ठीक है, अब 24 भी आ गया। 16 के लिए 4 × 2 की जरूरत होती है, 2 × 2 × 2 चार बार गुणा होना चाहिए, यहाँ 1 और 2 की गुणा कर देंगे। अब हमारा एलसीएम यही आ गया। ठीक है, अब सभी संख्या इसमें दिख रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, अलग से हम क्या डाले हैं, यहाँ कितना था 7 × 3 = 42 यहाँ पर था, अलग से यही डाले हैं, 2 × 2 = 4 = 12 और 2 × 1 = 24 अलग से डाले हैं, पहले कितना था 42, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 42 × 24। डायरेक्ट गुणा बताए थे आपको, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, ऐसे गुणा डायरेक्ट बताए थे पिछली वीडियो में। डायरेक्ट गुणा 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 16 × 4 = 20, हासिल कितना लगा 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10, 1008 आ गया। 1008 मिनट के बाद 6 बजे प्रातः 6 बजे बजा था, उसके बाद 1000 मिनट बाद एक साथ फिर बजेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। लेकिन बिना एलसीएम सॉल्व किए बताए थे, बिना लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किए आप आंसर बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये तो एलसीएम हो गया, एलसीएम भी बता दिए थे कि कैसे जल्दी एलसीएम सॉल्व किया जाता है, इस तरीके से जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसको भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपका यहीं से आंसर दिख जाएगा। देखो, अगर कोई संख्या है, ठीक है, 16, 24, 36, 42 संख्या दी गई है, इस संख्या को छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें संख्याओं का भाग जाए, तो इस संख्याओं का भाग जाने के मतलब जैसे 36 का जिस संख्या में भाग जा रहा है, 36 का डिजिट सम कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 जिस संख्या में भाग जाएगा वो संख्या का डिजिट सम भी 9 होगा। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, देखिए डिजिट सम देख लीजिए, इसका 9 दिख रहा है, इसका डिजिट सम 9, और यहाँ 8 × 8 = 16, 16 का फिर 7 हो जाएगा, 7 × 6 = 13, डिजिट सम कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और इसका कितना हो गया, 8 × 4 = 12, 12 का डिजिट सम 3 होगा, 3 × 2 = 5, इसका 5 आ गया, यहाँ 9 हट जाएगा, डिजिट सम 9 को काउंट नहीं करते हैं, 6 × 4 = 10, डिजिट सम इसका 1 आ गया। ठीक है, और ये संख्याएं दी गई है, इसका डिजिट सम 9 है, तो एलसीएम भी अगर दी गई संख्याओं में डिजिट सम 9 दिखता है तो एलसीएम भी उसका डिजिट सम, एलसीएम का भी डिजिट सम 9 होगा। तो संख्या 1008 ही ऑप्शन जो है, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 या 0 बन रहा है, 9 को 9 या 0 बोलते हैं डिजिट सम। ठीक है, तो आप बिना एलसीएम सॉल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे, इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। तो इसका क्या कर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 5 अंक की बड़ी संख्या में भाग करेंगे। ठीक है,
जैसे बता देते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 15 का खंड कर दो, 3 × 5 = 15। उसके बाद उस छोटे 13 इसमें डालने के लिए क्या, 13 भाग संख्या, 13 तो डायरेक्ट गुणा होगा, ठीक है, 11 भाग संख्या है, 11 को डायरेक्ट गुणा करेंगे। और उसके बाद 9 है, 9 के लिए 2, 3 की जरूरत है, 1, 3 इसमें दिख रहा है, 1, 3 और डाल दीजिए, 9 भी चला गया। और 7 भाग संख्या, 7 को डाल देंगे, तो इसका एलसीएम इतना बड़ा आ गया, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, जो आएगा 5 अंक की संख्या को देखेंगे, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब ले जाने के लिए अपने मन से उसमें गुणा करेंगे, तब जाके आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। इतना लंबा तरीका सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता एग्जाम हॉल में, आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको क्या बताया, अगर किसी संख्या का एलसीएम में अगर भाग जा रहा है, तो भाग जा रहा है, यहाँ देखो 9 दे दिया, 9 दे दिया, इसका मतलब डिजिट सम उसका 9 होना चाहिए, 9 दे दिया उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए, तो 9 जिसका रहेगा पहले डिजिट सम देख लेंगे कि एक ही ऑप्शन में 9 है कि और कई ऑप्शन में है, तो इसका कितना होगा डिजिट सम, इसका 1 आ रहा है, 9 को काउंट नहीं करेंगे, 7, 3, 10 इसका डिजिट सम 1 आ रहा है, यहाँ 9 काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 8, 2, 10, 8, 18 डिजिट सम 9 के गुणज में आ गया ना, बताया था डिजिट सम 9 के गुणज में आ जाता है जोड़ने पर, उसको बाहर कर देते, 8, 2, 10, 8, 18 इसका डिजिट सम कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ 9 नहीं काउंट करेंगे, 9 नहीं काउंट करेंगे, इसका डिजिट सम 9 या 0 है, ठीक है। और यहाँ कितना 9 बाहर हो गया, यहाँ जोड़ेंगे इसको कितना, 8, 4, 12, 12 का डिजिट सम 3, 3 में 5 जोड़ देंगे 8, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 या 0 है। यहाँ संख्याएं दी गई संख्याओं से पता चल रहा है कि वो संख्या जो हमारा एलसीएम आएगा उसका डिजिट सम 9 होगा, क्योंकि दी गई संख्याओं में एक संख्या ऐसा है जिसका डिजिट सम 9 है, 7, 9, 11, 13, 15 9 खुद ही है जिसका डिजिट सम 9 या 0 होता है। अगर 0 किसी संख्या में गुणा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ आ गया ना, गुणा हुआ है, ठीक है, 3 × 9 डिजिट सम 9 हो गया, 9 का गुणा हो तो 0 डिजिट सम में 9 0 की तरह काम करता है, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 दिख रहा है, ठीक है। आप इसको बेसिक से करेंगे, इतना डाटा इतना लंबा है कि इसको सॉल्व करने में 1 मिनट आराम से लग जाएंगे, कितना भी फास्ट कैलकुलेशन जानते हो तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखते ही आप बता देंगे, डिजिट सम एक ही ऑप्शन का डिजिट सम 9 है, तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, उसी पर आधारित एक प्रश्न है, इसमें पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाए जो 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। संख्या किससे किससे वो विभाज्य होनी चाहिए, 8 से 12 से 15 से 20 से। तो आप इस देखने से क्या आपको लग रहा है, अगर जो संख्या 12 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 का विभाजक का रूल में आपको बताया था, 3 का नियम यह कहता है कि सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। आप उससे चेक कर सकते हैं, जैसे ये संख्या दी गई है और इसमें देखिए डिजिट सम में संख्या देखने से ऑप्शन लग रहा है कितना क्लोज है, 999 60 999 40 999 80 999 50 क्लोज दिख रहा है, नजदीक का विकल्प दिख रहा है, लेकिन ये बहुत दूर दूर का विकल्प हो जाता है डिजिट सम से। इसका डिजिट सम देखने से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 हम काउंट नहीं करेंगे, इसका 4 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, कितना इजी हो गया, सबका डिजिट सम अलग हो गया। अब जिसका डिजिट सम 3 का भाग जाने का मतलब है, जिस संख्या में 12 का भाग जा रहा है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, या 15 का भाग जा रहा है 3 का भाग जाना चाहिए, उसमें 3 का भाग उसी में जाएगा जिसका सम 3 से कट रहा है, तो किसका सम 3 से कटेगा, ऑप्शन ए का सम 3 से कट रहा है, आंसर हो गया। आप इसको बेसिक से लगाते हैं तो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का आपको बताया कि बड़ी संख्या का गुणनखंड करिए, बड़ी संख्या इसमें 20 है, 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 × 5 = 20, 2 × 2 = 4 × 5 = 20। अब 15 लाने के लिए इसमें क्या डाल दे, 3 × 15 आ गया, 12 × 4 = 12 होता है तो 12 दिख रहा है, 2 × 2 = 4 = 12 दिख रहा है, 8 लाने के लिए 1, 2 की और जरूरत है, तब इसका एलसीएम आ गया, 8 × 5 = 40 × 3 = 120। अब 120 से एलसीएम आ गया, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में आप भाग करेंगे, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यही 99,999, इसमें 120 का भाग करेंगे, जो शेष आएगा उसको घटाएंगे तब जाके आपको आंसर प्राप्त होगा, ठीक है।
अब 120 से भाग करेंगे, जो शेष यहाँ प्राप्त होगा उस शेष को इसमें से घटाएंगे तब आपको जाके आंसर मिलेगा। तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम की बहुत ज्यादा कमी पड़ेगी, जिससे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कुछ गुणा भाग करने में गलती हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और कॉन्सेप्ट देखो कितना इजी था कि हम देखें यहाँ क्या क्या दिया है, उसको देख लिया 8, 12, 15, 20 का भाग जाना चाहिए, तो जिसमें 12 का भाग जा रहा है इसका मतलब उसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी का रूल, विभाजकता का नियम यही कहता है कि सभी संख्याओं का जो सम है, योग है, उसमें 3 का भाग अगर जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए, जिसमें 3 का भाग जाएगा। देखिए अगर डिजिट सम इसका निकालते हैं 6 आता है, 6 में 3 का भाग जाएगा। इसमें डिजिट सम में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। इसका डिजिट सम 4 आ गया, इसमें 3 का भाग करेंगे 1 शेष आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे 2 शेष आ जाएगा, इस संख्या में अगर भाग करेंगे तो 2 शेष आ जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, वो तो डिजिट सम पे लग रहा था, इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। और ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, ये मत समझिए कि आपने मन से ऑप्शन बना रहे हैं डायरेक्ट इसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के हूबहू जैसे क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। इसमें ये मत समझिए कि ऑप्शन अपने मन से रखे हैं, क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, ना कि बेसिक तरीके से आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक जानिए, उसको जानने के बाद किस तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इजी तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वह कौन सी 3 अंकों की बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है, ठीक है। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें 15 का भाग चला जाए, 25 का भाग चला जाए, 30 का भाग चला जाए। अब इसको हम लास्ट डिजिट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट से ये तो यहाँ से देखने में पता चल रहा है तो इसमें 3 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है, और इसमें भी चला जाएगा, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है सब 3 से कट रहे हैं। इसका सम 9 आएगा, इसका सम 12 आएगा, इसका सम 15 आएगा, इसका सम 12, 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो सभी संख्या 3 से कट रहा है तो उससे नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसमें लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। लास्ट डिजिट यह कहता है कि जैसे किसी संख्या में अगर 25 का भाग आप दे रहे हैं, 25 की डिजिबिलिटी यह कहता है कि किसी संख्या में 25 का आप भाग दे रहे हैं तो उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट जो है 0 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है, 00 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, बस, और 75 हो सकता है। यही 4 चीज किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, अगर 25 के भाग उसमें जा रहा है तो उसका लास्ट डिजिट बस यही 4 संख्याएं हो गए, ठीक है। ऑप्शन का देख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट यहाँ 00 है, यहाँ नहीं है, 30 है, इसमें 30 नहीं दिख रहा है, या 00 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 75 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 75 है, लेकिन और इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, 75 है लेकिन अगर उसमें 30 का भाग जा रहा है तो इसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, और 2 का रूल कहता है लास्ट डिजिट जो है सम होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती हैं, तो शेष क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बचता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 4 संख्या क्रमशः दिया है, 3, 4, 5 और 6 का भाग जाना चाहिए, और शेष कितना आना चाहिए, जैसे 3 का भाग देने पर शेष 1 आएगा, उसमें अगर उसमें 4 का भाग दिया जाए शेष 2 आएगा, 5 का भाग दिया जाए शेष 3 आएगा, और 6 का भाग देने पर शेष 4 आएगा, क्वेश्चन यही बोलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिजिबिलिटी के रूल में सबसे आसान किसका रूल है, 5 का है, ठीक है। तो इसमें 5 दिया है, 5 को हम पकड़ लेंगे, तो 5 का रूल यह कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 और 5 रहता है तभी संख्या टोटल 5 से विभाजित होगा, पूरी तरीके से
विभाजित तभी हो सकता है जब संख्या का इकाई अंक 0 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोला है 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तीसरे नंबर पर है इस संख्या ना, तीसरे नंबर पर क्या शेष बच रहा है, 3। 5 का भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने में क्या आएगा, अगर उस संख्या का इकाई अंक 3 या 8 होगा तभी वो जाके वो हमारा संख्या होगा। तभी उस किसी संख्या में अगर उसका इकाई अंक 3 है तो 5 का भाग करेंगे तो शेष 3 आ जाएगा। अगर उसका इकाई अंक 8 रहेगा तो 5 का भाग करेंगे शेष 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 0 है। बस एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 5 का भाग देने पर हमको पता चल रहा है 3 शेष आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आप डायरेक्ट इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 5 का भाग देने पर अगर पूरी तरीके से विभाजित होता, शेष नहीं होता, तो इकाई अंक 0 और 5 होता, ठीक है। अब इसमें शेष 3 बच रहा है, तो जो शेष बच रहा है इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, संख्या का लास्ट डिजिट प्राप्त हो गया, लास्ट अंक प्राप्त हो गया। लास्ट अंक 3 या 8 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, 3 कहीं दिख नहीं रहा, एक ही ऑप्शन है कि जिसका लास्ट अंक जो है 8 है। तो हमारा आंसर सी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और इसी तरह फिर आगे वीडियो में इसी पर एलसीएम एचसीएफ पे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।